एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अध्या। कैसे हो आप सब गाइस? आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं समर स्पेशल क्लीनअप। यस गाइस, समर स्टार्ट हो गए हैं। समर्स में हमें हमारे स्किन का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। मतलब हमें हफ्ते में एक बार क्लीनअप करना चाहिए। इससे आपके स्किन के ऊपर जितने भी सारे ब्लैकहेड्स एंड व्हाइटहेड्स है वो रिमूव हो जाते हैं, इम्प्यूरिटीज रिमूव हो जाती है, डेड स्किन रिमूव हो जाती है। इसकी वजह से आपकी स्किन नेचुरल ग्लो करती है। गाइस, इस क्लीनअप में आपको 5 स्टेप करने हैं, यानी कि सबसे पहले आपको क्लींजिंग करनी है, सेकेंड आपको स्क्रबिंग करनी है, थर्ड आपको स्टीमिंग लेनी है, फोर्थ आपको ब्लैकहेड्स एंड व्हाइटहेड्स रिमूव करने हैं, एंड फिफ्थ आपको फेस पैक अप्लाई करना है। तो ये 5 स्टेप आपको इस क्लीनअप में करने हैं। एंड गाइस, ये जो क्लीनअप है ना वो अंडर 15 रुपीज, यानी कि अंडर 15 रुपीज के प्रोडक्ट यूज करके इस क्लीनअप को मैंने बनाया है। आई होप आपको ये क्लीनअप पसंद आएगा। तो गाइस चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। क्लीनअप का फर्स्ट स्टेप है क्लींजिंग। तो गाइस, सबसे पहले हमें हमारे फेस को अच्छे तरह से क्लीन करना है। यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ हिमालय का नीम प्योरीफाइंग फेस वॉश। निकाल देना है एंड ओवरऑल फेस के ऊपर अप्लाई करके 30-40 सेकेंड अच्छी तरह से मसाज करके अपने फेस को क्लीन करना है। इससे आपके फेस के ऊपर जितने भी इम्प्यूरिटीज है, गंदगी है, वो रिमूव हो जाएगी एंड आपका फेस क्लीन हो जाएगा। अच्छी तरह से हम मसाज कर लेंगे, देन अपने फेस को हम ठंडे पानी के साथ वॉश कर लेंगे। फेस को हम अच्छी तरह से क्लीन कर लेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है एक्सफोलिएट। इसके लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ एवरयूथ का वॉलनट स्क्रब। ये आपको इजीली 12-15 रुपीज का पाउच किसी भी स्टोर में मिल जाएगा। इसे आपको ओवरऑल फेस के ऊपर अप्लाई करना है। 3-5 मिनट आपको अच्छी तरह से अपने फेस को एक्सफोलिएट करना है। इससे आपके फेस के ऊपर जितने भी सारे ब्लैकहेड्स एंड व्हाइटहेड्स थे वो रिमूव हो जाएंगे, डेड स्किन रिमूव हो जाएंगी। एंड मेन थिंग गाइज, आपकी स्किन एक्सफोलिएट होने की वजह से आपके स्किन का ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव हो जाएगा, आपका फेस नेचुरली ग्लो भी करेगा। अच्छी तरह से 3-5 मिनट हम स्क्रबिंग कर लेंगे एंड देन आपको ठंडे पानी के साथ अपना फेस वॉश करना है। वॉश करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं अपना फेस ड्राई कर रही हूँ एंड आपको रिजल्ट भी दिखाऊंगी। सो गाइज, आप देख सकते हैं मेरे फेस के ऊपर जितने भी ब्लैकहेड्स एंड व्हाइटहेड्स है वो इजीली रिमूव हो गए हैं। एक्सफोलिएट करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है स्टीमिंग। तो गाइस, स्टीमिंग के लिए यहाँ पे मैंने एक बाउल में गर्म पानी लिया है एंड इसके अंदर एक हैंड टॉवल मैंने इस तरह से डीप किया है एंड एक्सेस वाटर को हम इस टॉवल से रिमूव कर लेंगे एंड देन इस हैंड टॉवल की हेल्प से हम हमारे फेस के ऊपर अच्छी तरह से स्टीमिंग लेंगे। इससे जितने भी सारे क्लॉक पोर्स है ना वो रिड्यूस हो जाएंगे, यानी कि ओपन अप हो जाएंगे। जितने भी ब्लैकहेड्स एंड व्हाइटहेड्स है ना वो भी आपके लूज हो जाएंगे। जब आप ब्लैकहेड्स रिमूवल टूल यूज़ करेंगे ना तो ईजिली आपके जितने भी सारे ब्लैकहेड्स एंड व्हाइटहेड्स है ना वो रिमूव हो जाएंगे। अच्छी तरह से हम 5 मिनट स्टीमिंग लेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है रिमूव ब्लैकहेड्स एंड व्हाइटहेड्स, यानी कि आपके ब्लैकहेड्स एंड व्हाइटहेड्स को हमें रिमूव करना है। तो यहाँ पे मैं इस तरह से ये ब्लैकहेड्स रिमूवल टूल यूज़ कर रही हूँ। मैंने इसे 20 रुपीज़ का लिया है, ईजिली किसी भी स्टोर में आपको मिल जाएगा एंड ईजिली मिल भी जाता है। अच्छी तरह से मैं अपने नोज़ के ऊपर के एंड चिन के ऊपर के ब्लैकहेड्स एंड व्हाइटहेड्स रिमूव कर रही हूँ। मैं हफ्ते में एक बार तो इस प्रोसेस को ज़रूर करती हूँ, जिससे मेरी स्किन क्लीन एंड क्लियर रहती है। आप इस मेथड को कर सकते हो। आपको स्टीमिंग लेनी है एंड तुरंत बाद आपको इस टूल की हेल्प से ब्लैकहेड्स एंड व्हाइटहेड्स को रिमूव करना है। अच्छे तरह से ब्लैकहेड्स एंड व्हाइट्स को रिमूव करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है फेस पैक। फेस पैक के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ हिमालया का नीम प्योरीफाइंग फेस पैक। ये आपको ईजिली 10 रुपीज़ का पाउच मिल जाएगा किसी भी स्टोर में। इसे आपको इवनली पूरे फेस के ऊपर अप्लाई करना है। गाइज, आप क्लीनअप करते हो ना तो उसमें फेस पैक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिकॉज आपके जो पोर्स होते हैं ना वो ओपन अप हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो उसको आपको बंद करना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप कोई भी फेस पैक अप्लाई कर सकते हो। ये नीम प्योरीफाइंग फेस पैक है, ये आपके एक्ने पिंपल को भी प्रिवेंट करने में काफ़ी हेल्प करता है। फेस पैक को अप्लाई करने के बाद आपको 10-15 मिनट अपने फेस के ऊपर इसे ड्राई होने के लिए रख देना है। ड्राई होने के बाद आप फेस को ठंडे पानी के साथ वॉश करना। वॉश करने के बाद आप देख सकते हो मेरी स्किन कितनी क्लीन क्लियर लग रही है, प्योरीफाइंग लग रही है, डिटॉक्सीफाई लग रही है एंड नेचुरल फेस के ऊपर एक ग्लो भी आया है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा क्लीनअप कंप्लीट हो गया है। अब हमारा लास्ट स्टेप है मॉइस्चराइजिंग। तो गाइस, सबसे पहले आपको टोनर अप्लाई करना होता है। यहाँ पर मैं डाबर का रोज वाटर यूज़ कर रही हूँ। आप चाहो तो कोई भी टोनर यूज़ कर सकते हो। गाइस, टोनर यूज़ करने से आपके जो पोर्स है वो मिनिमाइज हो जाते हैं, स्किन का पीएच बैलेंस मेंटेन रहता है, स्किन आपके हाइड्रेट रहती है। तो आप कोई भी टोनर यूज़ कर सकते हो। अगर आप अफोर्डेबल टोनर यूज़ करना चाहते हो तो आप ये रोज टोनर यूज़ कर सकते हो। इसके बाद हम मॉइस्चराइज़र अप्लाई करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं जॉय की आमंड फेस क्रीम यूज़ करने वाली हूँ। ये बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज़र है। ये आपको 10 रुपीज़ का ईजिली टब मिल जाएगा एंड ओवरऑल फेस के ऊपर आपको अप्लाई करना है एंड 2 मिनट आप अच्छी तरह से अपने फेस की
मसाज कर लो। इससे आपके फेस के अंदर ये मॉइस्चराइज़र पेनिट्रेट होगा एंड इसकी गुडनेस आपके फेस के ऊपर आपको दिख जाएगी। अच्छी तरह से हम अप्लाई करने के बाद आप देख सकते हैं मेरी स्किन कितनी हाइड्रेट लग रही है, सॉफ्ट लग रही है, नरिश लग रही है एंड स्किन के ऊपर एक नेचुरल ग्लो भी आया है एंड अच्छी तरह से मेरी स्किन क्लीन भी हो गई है। आप इस क्लीनअप को ज़रूर ट्राई करना। आपको ये क्लीनअप कैसा लगा कमेंट डाउन करके मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। गाइज, नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। बाय, टेक केयर, बाय, लॉट्स ऑफ लव, बाय।